हमारे गांव में एक अजीब सा रिवाज था कि जब भी कोई कुंवारी लड़की जना करती हुई पकड़ी जाती तो गांव का चौधरी उसके साथ जना करता और अगले ही रोज उसे चौराहे पर फांसी दे देता। 24 घंटे तक उस लड़की की लाश चौराहे पर लटकी रहती। गांव के लोग ये देखकर तौबा तौबा कर उठते थे। मेरे अब्बा गांव के चौधरी थे, तमाम गांव वालों के सरपंच भी थे। मेरे वालिद का फैसला हरफे आखिर माना जाता था। मेरे वालिद ने गांव के निज़ाम को खासा बेहतर बना रखा था और कोशिश करते थे कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए लोगों के दरमियान फैसला करें। अपने वालिद की इस आदत से मैं बहुत खुश था। हमारे गांव में अगर कोई मर्द किसी लड़की से ज्यादती करता तो मेरे वालिद उसे बहुत मारते और उसका मुंह काला करके कंधे पर बिठाकर पूरे गांव का चक्कर लगवाकर गांव से बाहर निकाल देते। और अगर कोई औरत अपनी मर्जी से जनाकारी करती तो मेरे वालिद उस लड़की को एक रात अपने कमरे में रखते और सुबह उसे गांव के बीच बाजार के चौराहे पर फांसी दी जाती। उस लड़की की लाश 24 घंटे के लिए वहां लटकती रहती। मैंने जब मैट्रिक किया था तब ऐसा हौलनाक वाक्य अपने सामने होते देखा था। जब एक लड़की को ये सज़ा मिली थी उसके बाद हमारे गांव में ऐसे वाक़यात एक साल में एक दो बार ही होते थे, लेकिन इस बार जो कुछ हमारे गांव में हो रहा था दिल दहला लेने वाला मंजर था। चंद माह में 4 से 5 लड़कियां ये गुनाह करते हुए पकड़ी गई थीं। पहले तो ये रिवाज आम था कि जानी औरत के साथ गांव का बड़ा चौधरी भी जना करता था। कि मेरे वालिद नहायत ही शरीफ नफ्स इंसान थे, वो इस लड़की को पुरानी हवेली में बंद करवा देते और अगले रोज़ उसे बीच चौराहे में फांसी दे दी जाती थी। मैं MBA करके जब गांव लौटा तो बीच चौराहे एक लड़की की लाश को देखकर मेरा पूरा वजूद लर्ज सा गया था। दुख भी बहुत हुआ कि गांव में दोबारा से ऐसा वाकया क्यों रोनमा हो गया। एक ही वाकया की खबर पहले भी मेरी वालदा ने फ़ोन पर मुझे दी थी। मुझे जानकर अफसोस तो बहुत हुआ था, लेकिन जो सज़ा मेरे वालिद ने तजवीज़ की थी उससे तो लोगों को डर जाना चाहिए था। मैं शहर से तो बड़ा खुश गाँव लौटा था। रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, ड्राइवर टायर बदलने लगा, मैं गाड़ी से नीचे उतर गया, खेतों को देखने लगा, गंदम की फसल पक चुकी थी। चंद ही दिनों में उसकी कटाई का काम शुरू हो जाना था। मेरे वालिद गांव के मुस्तहिक लोगों को मुफ्त साल की गंदम देते थे, गरीबों का बहुत एहसास करते थे। मैं ये सोच रहा था, मुझे सामने खेतों में कुछ हलचल सी महसूस हुई। पहला गुमान मुझे किसी जानवर का हुआ था, लेकिन फिर एक लड़की वहाँ से बाहर निकली, कमसिन सी खूबसूरत सी लड़की, यही कोई 18-19 बरस की। उसका चेहरा ऐसा था कि कुछ पल तो देखने वाला उसके हुस्न में खो सा जाए। मुझे इस लड़की से पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती अगर मैं पहले से किसी और लड़की की मोहब्बत में मुब्तला ना होता। बहरहाल मैंने अपनी नज़रें हटा ली, लेकिन उसके बाद जो आवाज़ मैंने सुनी, मेरी नज़रें बेसाख्ता दोबारा वहीं उठी थीं। मैंने वहाँ एक नौजवान की आवाज़ भी सुनी थी, न जाने उसने कहा था। वो लड़की यकदम चीख बरामद हुई थी, फिर वो लड़की वहाँ से भागने लगी और उसके बाद एक नौजवान लड़का उसी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उस लड़की को देखने लगा जो अब भागते हुए बहुत दूर जा चुकी थी। दोपहर के वक्त वो दोनों इस खेत में अकेले कर क्या रहे थे। वो लड़का भी अब इस लड़की जानी भी बढ़ने लगा। फिर मुझे लगा कि शायद ये एक दूसरे के कुछ लगते हैं, शायद मियाँ बीवी हों। गाड़ी का टायर लग चुका था। मैं गाड़ी में बैठकर जैसे ही घर पहुँचा, मैं बेशक एक ज़िम्मेदार और चौधरी का बेटा था, लेकिन मेरा दिल बहुत हसास सा था। ना तो मैंने औबाश तबीयत पाई थी और ना ही मेरा दिल सख्त था। वजह शायद ये थी कि हमारे घर का माहौल खासा मजहबी था। मेरे वालिद भी नमाज के पाबंद थे और घर की खवातीन भी गांव के लोग मेरे वालिद के इंसाफ के डंके बजाते थे। मैं घर पहुंचा तो छोटी बहन सालिहा मेरे पास आकर मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। मैंने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और अपनी वालदा से मिला और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने लगा। इस बार मैं ये सोच के आया था कि अपनी वालदा को अपनी पसंद की लड़की के बारे में बताऊँगा। मैं थका हुआ शहर से लौटा था, इसलिए बस कुछ देर घर वालों के साथ बैठकर अपने कमरे में चला गया। रात के खाने पर मेरे वालिद ने कहा, दोबारा से गांव में जनाकारी बढ़ने लगी है। उन्हें एक लड़की को ऐसी दर्दनाक सज़ा देने का बेहद अफसोस है जो पिछले माह ही रंगे हाथों पकड़ी गई थी। लेकिन गुनाह की रोकथाम भी ज़रूरी थी, वरना ये गुनाह किसी आग की तरह से सारे गाँव में फैल जाता। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए मेरे वालिद ने ये कदम उठाया था ताकि गाँव में ये गुनाह फैल ना जाए। मुझे अब्बा साईं खासे मुतफक्कर से लग रहे थे। मुझे उनकी गांव के लिए दिली वाबस्तगी और एहसास बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दफ़ा जो कुछ मैंने गांव में होते देखा, मेरे होश ही उड़ गए थे। चंद दिन बाद भी ऐसा ही एक और वाकया पेश आ गया। इस बार पंचायत में मैं भी बैठा था। एक लड़की बिखरे हुलिये के साथ वहां खड़ी रो रही थी। उस लड़की का चेहरा दुपट्टे के घूंघट से छुपा हुआ था। उस लड़की की तो उम्र में बहुत कम थी, यही कोई 18 बरस की होगी।
میرے والد کے ایک وفادار ملازم نے اسے گاؤں کے گھنے جنگل میں بنے ایک خستہ سے مکان میں یہ گناہ کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ وہ مکان کسی کی رہائش کا نہ تھا بلکہ کسی زمانے میں وہاں شکاری جا کر رہتے تھے، لیکن یہ سلسلہ بھی کافی سالوں سے بند ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کے غریب والدین بھی ہاتھ جوڑے میرے والد کے سامنے کھڑے رو رہے تھے، اور ایک نوجوان کو میرے والد کے ملازمین نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ کوئی زیادہ عمر کا نہ تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر نہ جانے مجھے یہ کیوں لگ رہا تھا کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ وہ لڑکا بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے ایسی کوئی بدکاری نہیں کی ہے۔ یہی حال اس لڑکی کا بھی تھا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے زنا نہیں کیا بلکہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ لیکن اور وہ لڑکا اسے؟ اس لڑکی کی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ ابا کے وفادار نے تھاڑتے ہوئے کہا کہ چپ کر بدبخت، ایک تو گناہ کر رہی تھی اور اس پر جھوٹ بول رہی ہے۔ ہم تو اسی کام کی پہرہ داری پر مامور کیے گئے ہیں۔ پوری رات ہم گاؤں کا پہرہ دیتے ہیں اور میں نے خود ان دونوں کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے والد نے سب کو چپ کروا دیا۔ کہنے لگے، میں اپنے وفادار لوگوں کو اس کام کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ اس بات کی چھان بین لگائیں کہ یہ گناہ کہاں سرزد ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے لوگوں پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو میں اس سے کڑی سزا دوں گا۔ اس لڑکی کو کل سارے گاؤں والوں کے سامنے پھانسی دی جائے گی، اور اس لڑکے کو ابھی گنجا کر کے، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر پورے گاؤں میں چکر لگوا کر گاؤں سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ میرے والد کے فیصلے کے بعد وہ لڑکی چلانے لگی، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کے لوگ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس بات پر ایک زوردار تھپڑ لڑکی کے منہ پر مارا گیا تھا۔ وہ زمین پر جیسے گر گئی تھی۔ اسے تھپڑ مارنے والا بھی وہی شخص تھا جس نے اسے زنا کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ کہنے لگا کہ سردار صاحب کے سامنے زبان چلاتی ہے، تیری زبان کاٹ کر پھینک دی جائے گی۔ جو فیصلہ سردار صاحب نے کر دیا وہی حرف آخر ہے۔ لیکن لڑکی چپ نہیں ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی زمین سے اٹھی، اس کا دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹ چکا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ وہ لڑکی تو وہی تھی جسے چند دن پہلے میں نے کھیتوں میں دیکھا تھا۔ پھر میں برجستہ اس نوجوان کو دیکھا، مجھے یاد آ گیا، وہ لڑکا وہی تھا جو کھیتوں میں بھی اس لڑکی کے ساتھ تھا، جنہیں میں میاں بیوی سمجھ رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ دونوں اس دن بھی کھیتوں میں چھپ کر کوئی گناہ ہی کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ لیکن وہ لڑکی اس وقت بھاگ گئی ہوگی، اور اب وہ لڑکی جھوٹے آنسو بہا کر دعائیاں دے رہی تھی کہ آپ لوگ ظالم ہو، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور آپ لوگ میرے ساتھ دوبارہ ظلم کر رہے ہو، میں کبھی بھی تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، میرا رب میرا انصاف کرے گا۔ اس کے بعد پھر نہ جانے کیوں میرا دل تھک سے دھڑکتا تھا۔ اس لڑکی کو زبردستی ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ بہت بدلحاظ قسم کی لڑکی ہے، یہاں سے یہ زبان سے چلا رہی ہے، یہ جھوٹی مکار چالباز ہے۔ وہ لڑکی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، یہی کہتی رہی کہ آپ لوگ جھوٹے ہو، ظالم ہو، میں کبھی تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ لڑکا البتہ چپ کھڑا تھا، اس نے اپنی صفائی میں کچھ نہ کہا، ایک لفظ نہیں بولا۔ اس لڑکے کو اس کے گناہ پر پہلا تھپڑ میرے باپ نے مارا تھا، اور اس کے بعد اسے میرے والد کے خاص بندوں نے بہت مارا تھا۔ وہ لڑکا بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا۔ اس لڑکے کے گھر والے بھی وہیں موجود تھے، آنسو بہا رہے تھے، کوئی بھی ایک لفظ نہیں بولا تھا، اس لیے اپنے بیٹے کا قصور جانتے تھے، اس لیے چپ تھے۔ البتہ لڑکی کی والد بلک بلک کر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی، میری بچی معصوم ہے، ایسا گناہ نہیں کر سکتی۔ وہ شخص سخت لہجے سے بولا کہ چپ کر بڑھیا، یہ تیری ہی بری تربیت کا نتیجہ ہے۔ ایک تو لڑکی ذات کو زبان دراز بنا دیا، اس پر اسے آوارگی سکھا دی۔ یہ لڑکی اگر بخش دی گئی تو سارے گاؤں کی لڑکیاں اس گناہ کے لیے سر اٹھائیں گی۔ اس لڑکی کا تو عبرتناک انجام ہونا چاہیے کہ پھر برسوں سارے گاؤں کو یاد رہے۔ اس لڑکی کو اب حکم کے مطابق کمرے سے باہر نکالا، اور گھسیٹتے ہوئے اس کے گھر سے باہر نکالنے لگے۔ اسے آج کی رات پرانی حویلی میں گزارنی تھی۔ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو پکار رہی تھی، لیکن وہ بے بسی سے کھڑے رو رہے تھے۔ اس لڑکی کو زبردستی گھر سے باہر نکالا گیا اور گاڑی میں بٹھا کر پرانی حویلی روانہ کر دیا گیا۔ اس لڑکے کا سر منڈوا کر اس کے چہرے پر کالک مل دی گئی اور اسے گدھے پر بٹھایا گیا۔ گاؤں کی جس گلی سے وہ گزرتا، لوگ اسے پتھر مارنے لگتے، کوئی مغلزات بکنے لگتا، کوئی تو غصے کے مارے جوتے مارتے۔ اگلے روز جب اس لڑکی کو گاؤں کے مین بازار کے چوراہے پر لایا گیا، اسے دیکھ کر میرا دل دہل کے رہ گیا تھا۔ اس کے بال بری طرح سے بکھرے اور الجھے ہوئے تھے، چہرے پر نیل اور زخموں کے نشان تھے، جیسے اس پر بھی تشدد کیا گیا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بالکل نیم مردہ سی حالت میں تھی کہ اپنے پاؤں پر چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ دو مردوں کے سہارے سے اسے چوراہے تک لایا گیا۔ وہاں پھانسی دینے کا انتظام پہلے سے ہی کر دیا گیا تھا۔ سب لوگوں سے کہا گیا کہ اس لڑکی کی بدلحاظی اور بدتمیزی زبان درازی کی وجہ سے اس کی یہ حالت کی گئی ہے، تاکہ دوبارہ ایسی غلطی گاؤں کی کوئی لڑکی نہ کر سکے۔
उसे देख के मेरा दिल कांप के रह गया। वहां मौजूद लोगों की हालत क्या होनी थी, उस वक्त वो जाने क्यों मुझे इस गुनाहगार लड़की पर तरस आ रहा था। उसकी वालदा फूट फूट कर रो रही थी, मेरे वालिद के सामने गिड़गिड़ा कर कह रही थी, मुझे एक बार अपनी बच्ची को सीने से लगाने की इजाज़त दे दें, मेरी बच्ची मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि वो जानी है, उसे दूर रहो, ऐसी गुनाहगार लड़की के लिए हमारे पास कोई रियायत नहीं है। इसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। सारे गांव के सामने उसे इबरत का निशान बना दिया गया। उसकी दीवानों की तरह रो रही थी, किसी के काबू में नहीं आ रही थी। मैं शायद उससे ज़्यादा तकलीफ़ देखने का मुतहम्मिल ना था, इसलिए वहाँ से वापस हवेली आ गया। मेरा दिल बहुत हसास था, इसलिए मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन ये करना भी ज़रूरी था, वरना यह गुनाह गांव में आम हो जाता। उसके बाद वक्त के साथ साथ ये बात भी पुरानी सी होने लगी। इस वाक़े को एक माह ही गुजरा था कि फसलों की कटाई शुरू होने लगी। मैं भी अपनी ज़मीनों पर कटाई के दौरान अपने खेतों में ज़रूर जाता था। अभी मैं अपनी ज़मीनों पर ही किसानों के साथ खड़ा था, उन्हें बता रहा था कि गंदम की कटाई के फौरी बाद सारी गंदम गोदाम में ले जाई जाएगी, ताकि अचानक होने वाली बारिश से गंदम भीग ना जाए। जब मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, वो खेतों से ज़रा हटकर वो गांव की ख़वातीन से ये कह रही थी कि उन्हें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, ये जुल्म है जो ये चौधरी गांव की लड़कियों के साथ कर रहा है। वो लड़की बिल्कुल बेकसूर थी जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। उस दरिंदा सिर्फ इंसान के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। उस लड़की की पुश्त मेरी जानिब थी, लेकिन जो बात वो कर रही थी वो मेरे बाइज़्ज़त और शरीफ बाप पर सरासर इल्ज़ाम था। मेरा बाप मेरे लिए ही नहीं, सारे गांव वालों के लिए ही काबिल एहतराम था। उसने आज तक इंसाफ के तकाजों को पूरा किया था, और ये लड़की ये मेरे बाप के लिए मासूम लोगों वालों के लिए जहर घोल रही थी। मैं तेज़ कदम बढ़ाता हुआ उसके लड़की के उकब में खड़ा हो गया। वो अब भी मेरे बाप के खिलाफ जहर उगल रही थी। मैंने कहा, ए लड़की, मेरा लहजा ज़रा सख्त था। वो लड़की मेरी पुकार पर बर्जस्ता पलटी थी, और जैसे ही वो पलटी मैं उसे देख कर अपने होश खो बैठा था। वो लड़की मेरी क्लास फेलो थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि एनी मुझे यूँ आपके गांव में नज़र आ सकती है। वो लड़की पूरी क्लास में टॉप करती थी और यूनिवर्सिटी में भी इसी सरगर्मियों में हिस्सा लेती रहती थी जिसमें औरत के मजालिम के बारे में बात की जाती। यूनिवर्सिटी में भी वो ज़्यादातर इसी तरह के मसाइल पर आवाज़ उठाने की सरगर्दा ही नज़र आती थी। एनी वही लड़की थी जिसे मैं पसंद करता था, जिसे मैं शादी का ख्वाह था। मैंने कहा, एनी तुम यहाँ? उसने बेतवज्जी ही से देखा था, जैसे मैं इसके लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता या वो मुझे सिरे से जानती ही ना हो। उसने मेरी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। मुझे उसके अजनबी से रवैये पर बड़ी हैरत हुई थी। दोबारा से उन औरतों की तरफ मुतवज्जो हो गई, लेकिन जो बात उसने इन औरतों को बताई वो सुनकर मैं शस्त्र सा रह गया था। मैं तो समझा था कि वो इस गांव में नई है और शहर से गांव के बारे में जानने के लिए आई है, लेकिन वो तो यहीं की रिहायशी थी। मुझे वो लड़की शुरू से ही बहुत पसंद थी, क्योंकि वो बला की बातमाद थी, जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े होने वालों में से इसका शुमार होता था। उसके मुँह से ही मुझे ये पता चला कि जिस लड़की को एक माह पहले गांव में फांसी दी गई थी वो इसकी बड़ी बहन थी। मैं समझ गया जब ही वो गुस्से से पागल हो रही थी। ये बात तो मेरे लिए भी किसी धमाके से कम ना थी कि जिस लड़की से मैं टूटकर मोहब्बत की है उसकी जानी लड़की की बहन थी, और अब भी अपनी बहन की हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय वो उसकी तरफदारी में बोल रही थी। मैंने कहा, एनी मेरी बात सुनो, तुम क्यों गाँव वालों को एक गलत बात पर वरगलाने की कोशिश कर रही हो? उसने मुझे तासुफ और नफरत से देखा था। कहने लगी, तुम्हारी आंखों पर भी इन गांव वालों की तरह तुम्हारे बाप की नेक नामी की पट्टी बंधी है। जिस दिन वो उतरेगी तो तुम्हें अपनी पैदाइश पर भी अफसोस होगा। तुम किस कदर नापाक और गलीज शख्स की औलाद हो। एनी मैं बेतखार गुस्से से इस पर धाड़ा था। वो न जाने मेरी चाह के बारे में अनाप शनाप बोल रही थी। मैंने कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी बहन को उस लड़के के साथ खेतों में गुनाह करते हुए देखा है। मैंने गुस्से से उसे एक तल्ख हकीकत से आगाह किया। वो मुझ पर तंजिया मुस्कुराई, कहने लगी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की सच्चाई दिखा दूं, तो क्या तुम अपनी बहन को भी सूली पर लटका दोगे, जैसे मेरी बहन को बिना किसी सबूत इबरत का निशान बना दिया गया? ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खेतों के बीचों बीच से न जाने कहां से कहां ले जाने लगी थी। मैं मान ही नहीं सकता था कि मेरी बहन कभी ऐसी गलती कर सकती है। मेरी बहन की तरबियत पाकीज़ा तरबियत हुई थी, इसलिए मुझे इस बात की फिक्र नहीं। मुझे लगा शायद बहन का सदमा इसके दिमाग पर बुरा असर किया है। जहाँ मुझे वो लेकर गई वो एक कच्ची मिट्टी से बना एक मकान था। मुझे इस घर में ले गई, एक कमरे के सामने खड़ा कर दिया, फिर कहने लगी, इस खिड़की से देख लो, वो भी अपनी आंखों से। मैं अब भी बेयकीन सा था। मैंने जैसे ही खिड़की का पट खोला, सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बहन एक अजनबी के साथ! मेरा खून रगों में उबलने लगा था। मैं धाड़ कर साले को पुकारा, मेरी आवाज़ पर वो होश में आई थी। मैंने दरवाजे को धक्का देकर खोला और उस लड़के को मारने लगा। वो मेरी बहन के साथ गुनाह कर रहा था।
मैं तो गुस्से से पागल ही हो गया। शोर इस कदर बढ़ गया कि गांव के लोग इकट्ठे हो गए। मेरी बहन की बुराई सच के सामने आ चुकी थी, जो मेरे अंधे गुस्से का नतीजा थी। अपनी बहन के गुनाह का गवाह मैं खुद था, इसलिए मेरा बाप पंचायत में सर झुकाए बैठा रो रहा था। बड़ी कड़ी आजमाइश इस पर भी आन पड़ी थी। मैं देखना चाहता था कि अब मेरा बाप क्या फैसला करता है। उनका फैसला सुनकर मुझे हैरानगी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा बाप इंसाफ नहीं छोड़ेगा। रिवाज के मुताबिक सालिहा को भी पुरानी हवेली के जाया गया। मेरा वालिद बेहद बेचैन था। रात को जब उनकी गाड़ी पुरानी हवेली की तरफ रवाना हुई, मैं भी उनका पीछा करने लगा। मुझे देखना था कि मेरा वालिद क्यों सालिहा के पीछे गए हैं। वहां पहुँच कर मेरे वालिद मेरी बहन के कमरे में चले गए। दीवार फैलांग कर इस हवेली के अंदर पहुंचा था। छुप छुपाते जब इसने कमरे की खिड़की खोली, मेरे वालिद मेरी बहन को कह रहे थे, मैं तुम्हें फांसी के तख्ते पर नहीं देख सकता, मैं मर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, तुम यहां से भाग जाओ। ये सुनकर मैं हैरान सा रह गया। इससे पहले कि मेरी बहन भागती, मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोला, उसे सामने देखकर कहा, जो सज़ा आज तक आप देते हैं वही अब सालिहा को भी मिलेगी। जब गांव की किसी लड़की को रियायत नहीं दी तो सालिहा को भी नहीं मिलेगी। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो मैं करूँगा। मेरा बाप मेरे सामने रोने लगा, कहने लगा, मैं अब तक झूठ बोलता आया हूँ, वो लड़कियाँ जानियाँ नहीं थीं, बस मैं ही कुछ अय्याश मिजाज का था। मैं गांव के सामने नेकोकार बन चुका था, इसलिए अपनी हवस पूरी करने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया था। वो लड़की भी जानी नहीं थी, लेकिन उसे देखकर मेरी नीयत इस पर ख़राब हो गई थी। इसलिए मैं अपने मुलाजमों के ज़रिए इस पर झूठा इल्ज़ाम लगवा दिया कि वो जानी है, लेकिन वो लड़की चुप रह के बजाय मेरा पोल खोल कर दर पर थी। इसलिए इसे पुरानी हवेली ले जाकर मैं इसके साथ गैर इंसानी सलूक किया था। मेरा बाप अपने हर जुर्म का इतराफ़ मेरे सामने कर रहा था और मैं बेजान सा सब कुछ सुन रहा था कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने क्या एनी खड़ी थी। पुलिस मेरे बाप का बयान सुन चुकी थी, इसलिए उसे अपने साथ ले गई। एनी मेरी बहन के पास आई, कहने लगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तू मेरा साथ ना देती तो मैं कभी भी अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला सकती थी। मैं हैरत से इन दोनों को देख रहा था। मेरी बहन ने एनी के साथ मिलकर ड्रामा रचाया था ताकि सच सामने लाया जा सके। मेरे वालिद की इस किस्म की सरगर्मियों से वाकिफ़ थी।